हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा कि फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है। बहुत सारे मैसेज आए थे तो सोचा एक वीडियो इस पर डाल दूँ। तो एनर्जी है ही थोड़ी अजीब सी, तो सोचा एक वीडियो बना दूँ। अगर ये आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं होगी तो ये बाद में होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट और सिचुएशन हमारी फेमिनाइन की है कि बहुत सी ऐसी फेमिनाइन है जिनको रिग्रेट हो रहा है। अब किस बात का आपको रिग्रेट हो रहा है? कुछ तो ऐसी बात है जो डीएफ को इस बात का करंटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट की एनर्जी को फेमिनाइन फील कर रही है, ठीक है? हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, लेकिन आपको बता दूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी बात का रिग्रेट करने की। अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है और आप बहुत बैलेंस में थे और अचानक से आप इस प्रकार की एनर्जी को अगर पिक कर रहे हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है? बहुत सी फेमिनाइन के लाइफ में सिचुएशन इस टाइम थोड़ी सी टफ़ है। मतलब झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, आपको लगेगा कि कोई मुझे नहीं समझता, यहाँ तक कि मेरे डीएम तो समझते ही नहीं। लेकिन इस टाइम जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड जो बहुत अच्छे से आपको समझते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपके बीच में थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह आपको एनर्जी लग सकती है। आपके फैमिली या फिर फ्रेंड या फिर डीएम के साथ भी आपका कुछ थोड़ा सा अनबन हो सकता है। फेमिनाइन ट्रिगर की एनर्जी है। बहुत सारे फेमिनाइन की लाइफ में ट्रिगर आने वाले हैं, छोटे मोटे लेकिन आने वाले हैं, या फिर मे बी आपने करंटली फील किया हो किसी ट्रिगर को, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अपने आप में बहुत बैलेंस में हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस में रहूं। डिवाइन के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ आप अपने इशू से लड़ रही है, अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप बहुत बहादुरी से, बहुत पावरफुल तरीके से उनको फेस कर रही है। तो इस वक्त हमारी फेमिनाइन बहुत पावर में है और बहुत स्ट्रांग भी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रही है। देखिए, फेमिनाइन पेन तो है इस टाइम, और ये पेन सच बोलूँ तो आसानी से जाएगा भी नहीं, बट आपको हार नहीं माननी है। अगर आप मैरिड है, ठीक है, इस वक्त तो आपको ये जो आपका ट्विन कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा आपको बर्डन जैसा भी लग सकता है। ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपको लग सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ होने वाला नहीं है, और एवी में काम कर रही हूँ, चीज़ें बढ़ नहीं रही है, बहुत लाइफ ऐसे डिस्टर्ब सी, बर्डन जैसे आपको फील हो सकती है। देखिए, स्टकनेस वाली एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ट्रैप वाली भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी निकल जाएंगी, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है हमेशा हमें रोकती है, ताकि हम आगे ना बढ़े, हम हमारे डिवाइन से अलाइन ना हो, हम खुद से ही अलाइन ना हो, और हमारे यूनियन तक भी ना पहुँचे, ताकि उन्हें पता है कि हम जब यूनियन में आते हैं तो हम हमारे पर्पस पर पहुँच जाते हैं। देखिए, फेमिनाइन आपको इस टाइम मस्कुलिन की बहुत याद आ रही है, और आपको बता दूँ कि आपके जो डीएम है वो भी आपको मतलब मिस कर रहे हैं। तो दोनों भी एक दूसरे को इस टाइम मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने डीएम की भी एनर्जी पिक कर सकते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा इस टाइम उन्हें याद कर सकते हो, तो इसीलिए बहुत सी फेमिनाइन अपना ध्यान बटाने की कोशिश भी करेंगी, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगी, ताकि उन्हें उनकी याद ना आए, ठीक है? बहुत सारे पास्ट की बातें भी डीएम के दिमाग में भी आ रही है, और डीएफ के भी माइंड में इस वक्त चल रही है। किसी के एक टाइम पे अच्छा, एक टाइम पे बुरा, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इस वक्त ट्रैप की एनर्जी है, और ये एनर्जी चली जाएंगी। मैंने पहले ही बताया कि ट्रैप हमें तभी महसूस होता है कि जब कोई एनर्जी हमें रोकने की कोशिश करती है, ठीक है? तो मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस टाइम मेडिटेशन में भी बहुत सारे फेमिनाइन डिस्टर्ब फील कर रही है। इतना सब होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आपके मस्कुलिन के तरफ से आ रहा है। कोई आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो आपने मांगी थी वो पूरी होने वाली है, ठीक है? फेमिनाइन आपके लिए यूनियन की एनर्जी भी है। बहुत सारे लोगों के यूनियन हो रहे हैं, और यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। शादी के प्रपोजल जैसी भी एनर्जी बहुत सारी फेमिनाइन के लाइफ में आने वाली है।
और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा आपने काम किया है उसी तरह से आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया है तो बिल्कुल यूनियन तो आपका होगा ही, यूनियन का तो है ही नहीं, हम तो पहले से यूनियन यूनाइट होते हैं। लेकिन जिन भी लोगों की शादी के चांस है उनकी शादी भी हो सकती है, परमानेंट यूनियन की भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो जब भी कोई पोर्टल आता है या फिर न्यू मून फुल मून या कुछ भी इस प्रकार की एनर्जी, जब हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम ये होता है, तो ये जो एनर्जी होती है नेगेटिव या फिर ट्रैप वाली, ये हमें रोकने की कोशिश करती है ताकि हम आगे ना बढ़े, अपने ऊपर अच्छे से काम ना करें और हम काम करके अपने मदर अर्थ को हेल्प ना करें। तो इसीलिए हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ट्रैप को फील करते हैं या फिर बहुत स्टकनेस अचानक से हमें फील होने लगती है। तो चलिए थोड़ा सा फिज़िकल सिम्टम के बारे में भी आपसे बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके लेफ़्ट पार्ट में, बॉडी पार्ट में, पूरा लेफ़्ट पार्ट में अगर पेन हो रहा है तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि हार्ट चक्रा जब भी ओपन होता है तो वो अपने फेमिनाइन साइड से जुड़ने लगते हैं। अगर आप न्यू हैं तो ये आपके भी हार्ट चक्रा की एनर्जी आप पिक कर सकते हो। मान ले कि आप अगर सांस ले रहे हो मेडिटेशन के टाइम, तो आप जब सांस लोगे तो आपके हार्ट में भी थोड़ा सा पेन होगा और हार्ट के बीचों बीच पीछे पीठ के अंदर भी आपको लगेगा कि जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे पीठ के अंदर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो ये एनर्जी आपके डीएम की है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और अचानक आप इस एनर्जी को फील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके डीएम की है। अगर आप न्यू हैं तो ये आपके हार्ट चक्रा की क्लिनजिंग के वजह से भी आपको फील हो सकता है। उसके बाद अगर आपके राइट बॉडी में पेन हो रहा है, पूरा मतलब सर से पाँव तक पूरा एक भाग जो राइट साइड का है, तो ये आपके अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जुड़ने के वजह से हो रहा है। क्योंकि जब भी हम हमारे इनर डीएम से जुड़ते हैं या फिर हमारा इनर डीएम जब एक्टिवेट होता है तो इस प्रकार का साइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, फोरहेड पे स्पेशली अगर बात करूँ, और उसके बाद में आपके आँखों में दर्द हो रहा है, आपको देखने में दिक्कत आ रही है, आपको धुंधला सा दिख रहा है, अगर आपके दोनों आईज़ में ट्विचिंग हो रही है, तो ये आपके थर्ड आई पर काम होने का संकेत है, जो कि आपके आने वाले समय में बहुत सारे फेमिनाइन के आँखों से इल्यूजन अभी भी जो बाकी है, अगर आपको लगता है कि वो सच है, अगर वो इल्यूजन है तो वो निकल जाएगा। डिवाइन पूरा पूरा आपको क्लैरिटी देंगे आपके कनेक्शन के बारे में और आपके लाइफ के बारे में भी, ठीक है। अगर आपके मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इस टाइम जो डेविल की एनर्जी हमें रोक रही है, एक ट्रैप की तरह हमें बांधने की कोशिश कर रही है, तो अपने आप पर काम करें, रुके नहीं, थोड़ा करें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत पूरे बॉडी में या फिर आपके जो जॉइंट होते हैं उसमें अगर पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये सब इसके वजह से होता है कि जब हमारे जो डीएनए एक्टिवेशन होता है उस टाइम, वैसे तो हमारा कंटिन्यू चलता है, लेकिन जब भी कोई न्यू मून फुल मून या पोर्टल्स आते हैं तो उस टाइम वो एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम हमारे जो डीएनए है वो भी तेज़ी से अपग्रेड होते हैं, तो इसके वजह से हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो अगर आपको इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं आराम करूँ, तो आराम करना, खुद को फोकस नहीं करना, इनर वर्क को एक फ्रेंड की तरह करना, इनर वर्क एक बर्डन की तरह कभी नहीं लेना है, ठीक है। मेडिटेशन में आपको उबासी आना, मेडिटेशन में डिस्टर्ब होना, हो सकता है कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो और बाद बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है या फिर फ़ोन आ रहा है, फिर ये कुछ भी बातें हो सकती है, तो समझ जाना कि कोई एनर्जी है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो ये एनर्जी धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ये बस हमें रोकने की कोशिश कर रही है ताकि हम यूनियन के पोर्टल यूनियन तक ना पहुंच पाए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेथ से रिलेटेड कुछ भी सुनना या दिखना, या फिर पिक्चर या फिर वीडियो या फिर फ़ोटो या फिर ऐसी खबरें जो मरने से रिलेटेड करती है, तो अगर आपके सामने बार बार आ रहा है तो फेमिनिन ये बहुत अच्छा एक साइन है, जो मुझे एक हफ्ते से पहले ही मिल रहा है ये, और ये यही बताता है कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आने वाला है, हमारे खुद में इतना बदलाव आएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा हमारे लाइफ में, हमारे लिए, हमारे कनेक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक न्यू बिगनिंग और एक
ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जिसमें कुछ भी ओल्ड नहीं रहेगा, सब कुछ न्यू रहेगा। आप एक न्यू एरा में एंटर करने जा रहे हो, ठीक है। आई ट्विचिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आपकी एक ही आई ट्विच हो रही है तो समझ जाना कि कोई ट्रिगर आने वाला है, ये आपके लिए अलर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ में आपको अचानक से स्टक फील हो सकता है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी वियर्ड सी है, ट्रैप वाली है, तो हो सकता है कि आपको अचानक से लगे कि लाइफ में कुछ भी चल नहीं रहा है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, मैं बस इनर वर्क कर रही हूँ, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के एनर्जी में चलोगे। देन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी पिक हो सकती है। मान लीजिए आप अचानक टैरो देखने लगे, जो सेक्सुअल टैरो होते हैं, या फिर आपके सामने इंटीमेसी भरे सीन आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा मीटिंग के पिक्चर दिखे या फिर वीडियो दिखे, तो समझ जाना कि ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि इस टाइम डिवाइन मस्कुलिन अपने फेमिनाइन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्पेशली फिजिकली, ठीक है। अगर फेमिनाइन आपको 369, 966 या फिर 969 अगर ये दिख रहा है, तो ये जो नंबर है ये बहुत पावरफुल नंबर है। जब भी ये दिखे तो एंजल को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना और लेट गो कर देना, क्योंकि जब भी कोई हमारी विश पूरी होती है, हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो अगर पूरे होने को होते हैं, तो इस प्रकार के हमें नंबर दिखते हैं। उसके बाद फेमिनाइन अगर आपको 222 दिख रहा है, तो एंजल आपको यही बता रहे हैं कि अपने अंदर भी देखे, बाहर भी देखे, मतलब अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बैलेंस बनाए और अपने 3D वर्ल्ड में भी बैलेंस बनाए, मतलब दोनों चीज़ों को ये दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। और आप जो भी करते हैं वो सही होता है, बस अगर आप जब डाउट के एनर्जी में होते तब भी ये आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद 333 बहुत लोगों को दिख रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये दिखाता है कि आप दोनों यूनियन में बहुत जल्द आने वाले हैं, आप यूनाइट होने के लिए ही इस जर्नी में हैं। और सेकंड इसका बहुत बड़ा मीनिंग ये भी है कि हमारे अंदर जो शक्ति होती है हम उसे पहचान नहीं पाते, तो ये आपको और डीप जाने के लिए बोलता है। और साथ में ये कुंडलनी का भी नंबर है, जब भी आपकी कुंडलनी राइज होने लगती है तब भी आपको ये नंबर दिखेगा। उसके बाद 444 अगर आपको दिख रहा है, तो समझ जाना कि एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में आपके डीएम को भी दे रहे हैं, और साथ में आपकी यूनियन को भी उन्होंने फुली प्रोटेक्शन में रखा है, तो बस आपको उन पर फेथ रख के अपना काम करना है। उसके बाद आपको अगर 999 दिखता है, तो ये नंबर दिखाता है कि एक कर्मा साइकिल का एंड हो रहा है, और देन उसके बाद ये सेपरेशन को ख़त्म करने का भी नंबर है, मतलब जब भी दिखता है तो सेपरेशन एंडिंग में भी बहुत सारे लोगों को दिखता है, तो ये भी एक पावरफुल साइन आपके लिए है। और 11-11 तो हमें पता ही है कि न्यू बिगनिंग का है, सेपरेशन एंडिंग का है, यूनाइट होने का है। और 000 एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, नए से स्टार्ट करने को दिखाता है। देन उसके बाद अगर 10-10-10 दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कि एंजल आपको बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, बस आपको पेशेंस रखना है। तो यही थी डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।